हेलो एवरीवन, आज हम बना रहे हैं मटर पनीर रेस्टोरेंट स्टाइल घर पर ही। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले कढ़ाई ली है, इसे गैस पे रख दिया है और इसमें हम ऑयल डालेंगे। फ्लेम को ऑन कर दिया है और ऑयल को गर्म होने देंगे हम। ये देखिए ऑयल गर्म हो चुका है। पनीर लिया है, 250 ग्राम पनीर है जिसको क्यूब्स में काट लिया है। अब एक एक करके हम इसमें पनीर डालेंगे। इसको पनीर को हमें फ्राई करना है। एक दो मिनट के लिए एक साइड से फ्राई करेंगे हम। फ्लेम को मीडियम रखेंगे पनीर फ्राई करते टाइम। और इसको देखिए एक मिनट के बाद, ये देखिए पनीर फ्राई हो गया है हमारा एक साइड से। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे अच्छे से। और फ्राई करना ऑप्शनल है, आप चाहें तो बिना फ्राई करे भी पनीर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए बस ये है कि पनीर फ्राई करने से थोड़ा टेस्ट और अच्छा हो जाता है सब्ज़ी का। ये देखिए दूसरी साइड से भी फ्राई हो चुका है और इसको हम निकाल लेंगे दूसरी प्लेट में। देखिए एक एक करके सारे पनीर निकाल लिए हैं हमने। और इसी कढ़ाई में हम मसाले की तैयारी करेंगे। इसके लिए एक छोटे चम्मच जीरा और एक दो छोटी इलायची और दो मीडियम साइज़ प्याज को इस तरीके से लंबा मोटा काटा है हमने और इसको फ्राई करेंगे। प्याज को इसलिए हमने मोटा काटा है क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है। ये देखिए प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे थोड़ा सा। और प्याज भून चुका है, इसको साइड में निकाल लेंगे, दूसरी प्लेट में ठंडा करेंगे क्योंकि इसका हमें पेस्ट बनाना है। और अब कढ़ाई में फिर से तेल डालेंगे दो चम्मच और इसमें अब सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और पेस्ट को हम भून लेंगे। दो चम्मच पेस्ट डाला है। ये देखिए फ्लेम को मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पर हमें इसको नहीं भूनना है, जल सकता है। ये देखिए आप देख सकते हैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है। और अब इसमें हम प्याज का जो हमने पेस्ट बनाया था वो इसमें डालेंगे, जो प्याज हमने फ्राई करी थी उसका पेस्ट। देखिए इसमें डाल दिया है, इसको भी मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे इनको भूनेंगे अच्छे से। चलाकर भूनना है, कोई मसाला हमें छोड़ना नहीं है वरना नीचे से चल सकता है। अब इसमें हम और मसाले ऐड करेंगे। इसके लिए दो चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मैं हरी मिर्च का यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो कर सकते हैं हरी मिर्च अगर आपको पसंद है तो। ये देखिए इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे। तीन बड़े साइज टमाटर का पेस्ट बना है ये, और इसको भी हम इसमें डाल रहे हैं और इनको अच्छे से भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए और अब इसमें हम, देखिए थोड़ा सा भून चुका है ये, अब इसमें हम मटर पनीर मसाला डाल रहे हैं और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें। और मटर पनीर मसाला ऑप्शनल है, आप चाहें, ज़रूरी नहीं है कि इसमें डालना ही है, तब भी उसके बिना भी टेस्ट अच्छा आता है। अब इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे जिसको हाथों से इस तरीके से थोड़ा बारीक सा पीस लिया है और इसको हम इसमें डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। और इसमें अब हम क्रीम डालेंगे, दो चम्मच क्रीम डाल रहे हैं हम और ये होममेड क्रीम है। और अब हमें इसको चलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो हमारी क्रीम फट सकती है। देखिए इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें। ये देखिए क्रीम हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है, मसाला भी हमारा भुन चुका है, आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो गया है एकदम और मसाले की क्वांटिटी भी कम हो गई है। और अब इसमें हम मटर ऐड करेंगे, 200 ग्राम मटर लिया है, ये फ्रोज़न मटर है। और इसको थोड़ा सा एक मिनट के लिए भूनेंगे इसको मसाले के साथ। देखिए और अब इसमें पानी ऐड करेंगे, डेढ़ ग्लास पानी डाल रही हूँ मैं। आपको अगर ज़्यादा पतली या ज़्यादा गाढ़ी ग्रेवी चाहिए तो आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं। देखिए डेढ़ ग्लास पानी डाला है और अब इसमें इसको हम ढक के रख देंगे जब तक हमारी मटर गल ना जाए। 5-7 मिनट लगते हैं क्योंकि ये फ्रोज़न मटर जल्दी पक जाती हैं। ये देखिए 7 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया है और देखिए ग्रेवी भी हमारी अच्छे से पक चुकी है और हमारा मटर भी। देखिए मटर मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए मटर गल चुकी है हमारी अच्छे से और हमारा मसाला ग्रेवी तैयार है। अब इसमें हम पनीर डालेंगे। ये देखिए पनीर डाल रही हूँ मैं।
और इन्हीं सब पनीर को मिक्स कर लेंगे मसाले में। और अब इसमें नमक अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैं एक छोटे चम्मच डाल रही हूँ और आधा छोटे चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ। इसको भी मिक्स कर देंगे और इसको अब हम एक दो मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ढक के रख देंगे ताकि मसाले हमारे पनीर में अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखिए 2 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया है और हमारी सब्ज़ी एकदम रेडी है, सर्व करने के लिए तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे हम और ये देखिए हमारी सब्ज़ी मटर पनीर की कितनी टेस्टी लग रही है और ये तैयार है। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, ऑप्शनल है, आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। और इसे पूरी, चावल, रोटी या नान किसी के साथ भी सर्व करें और इसलिए आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।